उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उभाव थाना पुलिस ने बुधवार को देर रात हाहा नाला के समीप मुठभेड़ में 75,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर दिया है। इसके पास से हथियार, कारतूस व बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस को झांसा देकर इसका एक साथी राजन भाग निकलने में सफल हो गया। आज सुबह में सहतवार के सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह रात्रि में गश्त पर थे। उन्हें टेम्पो स्टैंड हल्दी मोड़ के पास दो व्यक्तियों के रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिनके पास चोरी की बैटरी थी। सूचना पर विश्वास करके मौके पर गए और सत्येंद्र गौड़ तथा संजय को इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर कुल 13 अदद चोरी की बैटरी, 3 अदद जग और 1 अदद हैंडपम्प मशीन बरामद की गई। सभी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही। यूपी के जहांगीराबाद थाने पर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज किया है, जिससे पति व परिजनों में हड़कंप मच गया। 3 तलाक का मुकदमा दर्ज होने पर पति व परिजन बोले, नहीं दिया 3 तलाक, हमें झूठा मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। गांव में भाई ने तलाक दिया, क्या मामला है? नहीं दिया तलाक, तलाक नहीं दिया। और क्या हुआ है? ये उसने झगड़ा करा है बहू ने, लड़के का गिरवान पकड़ के खींचा है, लड़के की बनियान भी फट गई है। नैने को बहुत बदतमीजी हाल पे आई है, इतनी बदतमीजी हाल पे आई है जो कि अपने शोहर की नाजायज बदतमीजी करी है। सब पे तैब लगा हुआ नरो तहसील दिवस में शिकायत करी है, वाक आदेन की उत्पीड़न कर रही, दहेज मांग रही। दहेज की मांग पूरी हो जाए तल्लाक देकर उसे घर से निकाला। नहीं नहीं, गलत है, कुछ नहीं, तल्लाक नहीं दिया है। ये खामोखा की बात है, लगाती है, लगाई गई है और 4 आदमियों के सामने वो गई हुई है, माँ उसकी ले गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नूर जहाँ। आप क्या लगती है लड़के की? मैं फुप्पो लगती हूँ। क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ में ये हुआ था, जब उन्होंने मुझे तलाक दे करके घर में से निकाला था। कहाँ पे हुई थी आपकी शादी? मेरी जलीलपुर में। क्या नाम है आपके शोहर का? मेरे शोहर का नाम बाजिद है। बताइए पूरा मामला क्या है? तो ये ना मतलब उन्होंने जब मुझे भगाया था ना, वो नू कहते थे नू क्या गाड़ी चाहिए मुझे, और क्या कहा मैम मुझे सोने की चेन नहीं दी, अंगूठी नहीं दी, मेरे भैया को सारा सामान मिला था उसमें। अच्छा, सुसर का क्या इन्वॉल्व है? सुसर को आप बात हर बात पर बोल रही हैं, सुसर ने क्या करा? मेरे सुसर ने तो मतलब ऐसा करा था, मेरे आदमी ने तो मेरा हाथ पकड़े, उन्होंने सुसर ने हाथ पकड़े और जो मेरे शोहर है ना उन्होंने मेरे कपड़े उतारे थे, और जो क्या कहा मैं फिर ना कपड़े उतारने के बाद में कोई क्रीम सी ही उसमें कटोरी में करके उस क्रीम सी को उन्होंने क्या कहा मैं उसमें मिर्च डाल के पिसी हुई और उन्होंने मेरे मिर्च भरी थी। मिर्च भरने के बाद में मैं सारी में भगी डोली थी, फिर क्या कहा मैं कहने लग गई नू, उन्होंने फिर सारे में भगी डोलने के बाद में दूसरे इन्होंने फिर मुझे बेल्टों से मारा, बेल्टों से मारा। आपने कोई प्रार्थना पत्र कोतवाली में या कहीं दिया था? हाँ मैंने मतलब 3 तारीख तो वहाँ की करी विलेन शहर की, फिर यहाँ पर मैंने मंगल दिवस में दिया था। तो वो बोले इन्हू क्या कहें मैं ऐसा तुम फैसला कर लो, तो ये बोले नू क्या हाँ मैं इसे रख नहीं चाहता हूँ, तो क्या कहें मैं ये बोले नू रख नहीं चाहता, मेरे घर का कोई है नहीं था। मैं बोली मैं इनकी ऐसा मैं बात इन्होंने जब मुझसे तलाक दे उस लिखवा लिया था नू क्या मैं ले जाने चाहूँ मैंने भी। हाँ अपनी लास्ट टाइम मंगल दिवस में आपने एप्लीकेशन दिया जिला उपायुक्त यानी कि एजेंट साहब को, क्या आश्वासन दिया अधिकारी? उन्होंने तो मुझे कुछ भी ना दिया था, उन्होंने मुझे 1 लाल सा पर्चा दिया था। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे अगले दिन को बुलाया। मुकदमा पंजीकरण हो गया है कोतवाली जहांगीराबाद में? कोई मुकदमा हुआ है? नहीं तो अभी नहीं हुआ। नहीं, पुलिस क्या कर रही है अभी, धरपकड़ करी है? पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने बुला लिया था वहाँ पे, उन्होंने फैसला करवा दिया, मेरे घर का कोई है नहीं था। मैंने उन्होंने बोला ना क्या मामला है, तलाक दिया आपने अपनी पत्नी को, क्या नाम है आपका? बाजिद। बाजिद अली। पिताजी का नाम? सारे। तुमने अपनी पत्नी को तलाक दिया है? जी नहीं। और क्या मामला हुआ ये? ये मामला ऐसा है, हमारी जो सास आई थी, आए दिन जो है हर हफ्ते ले जाती हैं, जो अब हाँ 2 महीने रहती है ना, 1 हफ्ते रहती है, मैं भेजता ना हूँ, जबरदस्ती से ले जाना है। और ये जो है वो है विधवा, मैं जबरदस्ती कहता ना हूँ उस जगह से, मैं वो थाने में कुछ कह दे, मैं इस बात से डरता हूँ देसी किसी बदनामी से, तो मैं भेज देता हूँ, मैं लेने जाता हूँ
तो मेरे साथ जो मार पिटाई बदतमीजी गिरावान पकौती मेरे साथ ना हम ना भेज रहे अपने ये नौबत क्यों आई तुम परेशानी रखते हो तेजिल दिवस में गई है शिकायत करने आप परेशानी की कोई बात है हंसी खुशी ले गई है कम से कम 50 आदमी थे ना प्रधान जी भी उसके बाद तुम्हें तीन तल्लाक का आरोप लगाया तुम्हारे ना ना जब तल्लाक दिया ही नहीं सर तो तल्लाक बाइक मांग रहे थे आप नहीं नहीं बाइक भी मुझ पर है बताओ अपनी मैं काय को मांगूंगा बाइक तो मैंने मांगी भी ना जब दहेज की तो कोई बात भी नहीं आई चार लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ तुम्हारे खिलाफ इस बारे में क्या कहना है जब एक बार बताओ सर जब हंसे हंसी खुशी 50 आदमियों में ले गई है तो मैंने जब उसे तल्लाक दिया नहीं कोई बात नहीं करी तो मैं कैसे कह दूँ बताओ हैं सबके सामने ले गई है मैं ऐसा 15 दिन में 10 दिन में लिया ना मैं गया ना मेरी बेइज्जती करी वहाँ गिरावान पकड़ लिया मारपीट करी मेरे साथ में कौन जगह हूँ ससुराल तुम्हारी सिरौर है तीन तल्लाक कानून बनने के बाद जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में तीन तल्लाक का मामला हुआ दर्ज कोतवाली जहांगीराबाद के गांव जलीलपुर निवासी वाजिद अली पुत्र साविर अली के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में तीन तल्लाक देकर घर से निकालने का मुकदमा दर्ज किया है उसकी पत्नी ने दिलाया जाए कैमरामैन सोनू सेबी के साथ सुल्तान अंसारी सीएमएन न्यूज जहांगीराबाद बुलंदशहर देवरिया जनपद के खुकुंदू थाना अंतर्गत देर शाम अपने घर को जाते हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक महामंत्री संजय राय पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बताते चले कि देर शाम वो अपने घर को जा रहे थे तभी पीछे से हमलावरों ने उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रोक लिया और मारने पीटने लगे जिससे वो अचेत होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें देवरिया बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है। सर मेरा भाई कल मार्केट से घर आ रहा था तो बाइक से वो था हल्का सा गाड़ी में उन लोगों को टच हो गया उसके बाद वो मेरे भाई को मारने लगे तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कहा कि भैया झगड़ा हो रहा है। मैं वहाँ पर गया मैं बी बचाव करने लगा उसके बाद वो लोग मुझे भी मारने लगे और वो लोग ज़्यादा थे संख्या में और उसके बाद मान लीजिए वीडियो देखी रखे आपके मार बहुत ज़्यादा मार दिए लोग ईंट वीट से रॉड से अब किसी तरह जान बची है मेरी बस। सर पुरानी रंजिश अब मेरे से मेरी तरफ से तो कोई नहीं थी अब शायद उनकी तरफ से रही होगी तो मैं बता नहीं पाऊँगा। सर मैं भलोनी ब्लॉक महामंत्री भलोनी। खबर मऊ जनपद के ब्लॉक फतेहपुर की है। मांडव बहादुरपुर एक ऐसा ग्राम सभा है जहां पिछले दिनों हुए मूसलाधार बारिश से मकान गिर जाने से लालमती का पूरा परिवार के साथ घर बाहर सोने को मजबूर है। आपको बता दें कि सरकार चाहे जितनी योजनाओं के दावे कर ले, लेकिन लोगों का हाल अगर देखा जाए तो जिसके वो योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आइए दिखाते हैं वो तस्वीर किस तरह से एक गरीब महिला अपने परिवार के साथ गुजर करती है और जानते हैं उसकी जुबानी क्या है ये पूरा मामला। संभल जिले के ग्राम काजी बेटा की बात करते हैं जहां ग्राम प्रधान काशीराम ने गांव में कोई भी विकास नहीं कराया जिससे कि गांव वाले काफी परेशान हैं और ग्राम प्रधान अपनी दबंगई दिखाते हुए गांव में कोई भी विकास नहीं करवा रहे हैं। जो ग्रामीण आवास के पात्र हैं उन ग्रामीणों को आज तक 4 साल में कोई भी आवास नहीं दिलाया जा। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने जब ग्रामीणों से पूछताछ की तो ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान काशीराम ने हमारे शौचालय भी नहीं बनवाए और हमारे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। हमने जब प्रधान से शौचालयों के बारे में कहा तो शौचालयों का पैसा हमारे खाते में आना चाहिए तो प्रधान ने साफ इनकार कर दिया और सचिव की इस मनमानी के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। क्या नाम है आपका? विष्णु। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नाम क्या है आपका? विष्णु। अच्छा और गाँव का नाम? काजी बेटा। नाम है आपका? रवि राठौर। अच्छा कौन सा गांव है आपका ये? काजी बेटा। अच्छा इसका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? पम्बासा। पम्बासा तो सर आपको समस्या क्या है? समस्या ये है जिन्होंने वोट दिए उन्हीं कई कॉलोनी आती है अन्यथा किसी कॉलोनी नहीं आती। कागज लिए जाते हैं रद्दी बना के बेच दिए जाते हैं वापस फाड़ दिए जाते हैं। अच्छा प्रधान जी कागज ले जाते हैं और रद्दी बना के फेंक देते हैं उसके लिए। अच्छा इस चीज को फिर आपने कहीं और कंप्लेंट करी ब्लॉक वगैरह में? सचिव वगैरह से कह रखी लेकिन उन्होंने प्रधान की मानते हैं पैसा प्रधान देता है वो उनकी करते हैं कहना। अच्छा अच्छा प्रधान जी का नाम क्या है? काशीराम।
जनपद संभल के बबराला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा आयोजित बेटियों का निःशुल्क नेत्र चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। जिला सह संयोजिका मनीषा की मौजूदगी में भी नगर बबराला की टीम के द्वारा सरस्वती कन्या विद्यालय में हुआ, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान अलीगढ़ और डॉक्टर आशुतोष कुमार बबराला की टीम ने निरीक्षण किया। ग्वालियर में धारा 370 रखने पर मुरैना से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर के सांसद, सामाजिक कार्यकर्ताओं और भाजपा द्वारा कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम धारा 370 मुक्ति था। इस कार्यक्रम के दौरान यहां बताया गया कि आखिर हमारे देश के भाग कश्मीर को किस प्रकार से धारा 370 और आर्टिकल 35 के कारण हमारे देश को अलग कर दिया गया था और जिस कारण से हमारे देश के लोगों को अत्यंत पीड़ा उठानी पड़ रही थी। आज ग्वालियर में अपना ग्वालियर संस्था द्वारा अस्मिता पर्व ऐसा एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित धारा 370 समाप्ति करने के उपलक्ष्य में रखा गया। इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आवेदक आयोजकों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए जिससे कि निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इतिहास की सारी बातों से सीख ले सके और अपने जीवन में आगे उन पर काम करने में उन्हें कठिनाई न हो। इसलिए आज का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा था और इसके लिए आयोजकों को और उपस्थित नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई। कश्मीर अभी आधा है हमारे पास, अब पीओके के लिए भी आप कह रही है कि पीओके भी भारत का हिस्सा होना चाहिए, सभी की भावना है। तो सरकार कितनी गंभीर है उसको लेकर? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वह भारत का ही हिस्सा है और आने वाले कल में भी वो भारत का ही हिस्सा रहेगा। अरे अभी वो रणनीति तुम्हें थोड़ी बताएंगे यार। और अभी देखते जाओ, थोड़ा चलने दो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो देश के लिए अच्छा है वो हर काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुमकिन है। आज जालौन जिले की कोतवाली कालपी में दोपहर करीब 2 बजे अचानक पहुंचे एडीजीपी प्रेम प्रकाश कोतवाली परिसर में सिपाहियों द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद कालपी कोतवाली का गहनता से निरीक्षण किया गया। साथ ही वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी वो कालपी कोतवाली में निर्माण हो रहे सम्मेलन कक्ष के भी निरीक्षण किया गया। क्या पाया गया? आज कालपी कोतवाली का निरीक्षण किया गया है और इसमें भ्रमण कर पूरे भवन की स्थिति देखी गई। भवन की स्थिति अच्छी है, कुछ निर्माणाधीन भवन है उनमें काम चल रहा है, उसके साथ ही रिकॉर्ड चेक किए गए हैं। अभी आपने सर कहा कि भूमि संबंधी मामलों में सीओ जिम्मेदार होगी, तो पुलिस यह कहकर वादी को पीछे कर देती है कि ये राजस्व का मामला है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इस बारे में क्या कहें? नहीं, कोई भी मामला चाहे वो राजस्व से जुड़ा हो या अन्य विभागों से जुड़ा हो जिसमें झगड़ा होने की संभावना हो, कोई विवाद हो सकता है, वो सभी मामले थाने में दर्ज किए जाएंगे। थाना दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस तहसील में जाकर भी इनको अंकित कराया जा सकता है। उसके बाद जो व्यवस्था दी गई है वह यह है कि राजस्व के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी थाने पर उपस्थित होंगे थाना दिवस पर, इसी प्रकार तहसील दिवस में भी सभी विभागों के अधिकारी होंगे और वहाँ वो समस्या का निदान करेंगे। यदि थाने पर बैठकर हो जाता है निदान तो अच्छा है, अन्यथा ज्वाइंट टीम बनाकर मौके पर भी जाँच के लिए व कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी और इस सबका अंकन रजिस्ट्रों में किया जाएगा। साथ ही आज ये भी निर्देशित किया गया है कि जब समाधान का निदान कर दिया जाए तो उसके बाद उसकी जीडी संख्या भी उसमें अंकित की जाए और उसका परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाए।